नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई बोर्ड से अपील की है कि वे अगले साल मई से पहले बोर्ड परीक्षा आयोजित ना करें और सिलेबस को और कम करें, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण अभी भी स्कूल बंद है। सीबीएसई को लिखे एक पत्र में शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से 21 के शिक्षा सत्र के समय का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों में क्लासेस नहीं होने के चलते उपयोग में नहीं लाया जा सका है। हालांकि ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ असाइनमेंट के जरिए आयोजित की जा रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल क्लासेस की जगह नहीं ले सकती है। शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए उचित समय मिले, इसलिए शिक्षा सत्र मार्च से आगे बढ़ाया जाए और मई 2021 से पहले सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित ना की जाए। विभाग ने वर्तमान सत्र के लिए सिलेबस को कम करने और कोरोना महामारी की स्थिति और क्लासेस के लिए सत्र में उपलब्ध बचे हुए समय को कम करने का अनुरोध किया है। सीबीएसई ने जुलाई में स्कूलों को खोलने की उम्मीद में सभी विषयों में 30% सिलेबस घटाया था, लेकिन दिल्ली में 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद है। शिक्षा निदेशालय ने लिखा है कि प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कार्य किसी भी विषय का एक अभिन्न अंग है, जिसमें छात्रों की स्किल का मूल्यांकन शामिल है। पर्याप्त समय के लिए छात्रों को प्रैक्टिस के लिए समय देना जरूरी है, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि बोर्ड इन प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट पेपर के संचालन के बारे में पूरी दिशा निर्देश प्रदान करे। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर तक स्कूलों के बंद रखने का फैसला किया है, जिसके बाद हालातों को देखते हुए ये फैसला किया जाएगा।